दोस्तों, क्या आपको भी वैसी एपीएस आईडी चाहिए? वैसी एपीएस कंपनी के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, जिस कंपनी में जिस एपीएस आईडी से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के अकाउंट से एक दिन में ही बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रॉल कर सकते हैं। जी हाँ, सही आपने सुना, एक दिन में एक अकाउंट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से कैश विड्रॉ और बैलेंस इंक्वायरी दोनों कर सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर आते हैं, उनको ये पता नहीं रहता है कि उनके वाले को कितना रुपया है, लेकिन आज के जो हम एपीएस के बारे में बात करने वाले, उस एपीएस से आप उनको पहले बता सकते हैं कि आपके अकाउंट में इतना रुपया बचा हुआ है, उसके बाद आप उनको विड्रॉ करके दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर को ये पता नहीं होता उनके अकाउंट में कितना रुपया है, उनके अकाउंट में बाहर से रुपया आया या नहीं आया, वो रुपया निकालने के लिए आपको बोल देते हैं। इसमें आपको भी दिक्कत होती है, और कोई ऐसी एपीएस कंपनी जिसमें आपको कभी भी किसी भी कंपनी का किसी भी बैंक का रुपया ना फंसे। जी हाँ, आपने सुना होगा बहुत इस लॉकडाउन में जो ज़्यादा लोड पड़ी एपीएस पे, बहुत सारा रुपया फंसा, सभी का फंसा। लेकिन जिस एपीएस के बारे में आज हम बात करेंगे, उस एपीएस में अभी तक किसी का रुपया नहीं फंसा है, और सभी एक दिन में बैलेंस इंक्वायरी करते हैं और विड्रॉ भी करके देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, बल्कि स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के सभी बैंक का आप यहां से कर सकते हैं। तो वो कौन सी एपीएस कंपनी, उस एपीएस का नाम क्या है, पूरी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इस चैनल पे, क्योंकि आपको इस चैनल पे इससे पहले या किसी भी चैनल पे आपको इस टाइप का वीडियो नहीं मिला होगा। तो हम चाहते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छी जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाए। तो चलिए जानते हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं और सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी हाँ, हम जो बात करने वाले वो सीएससी के बारे में बात करने वाले, सीएससी के एपीएस के बारे में। तो हम सीएससी की वेबसाइट पे आ चुके हैं। जी हाँ, हम सीएससी के एपीएस के बारे में बात कर रहे हैं। सीएससी की वेबसाइट पे आ चुके हैं, digitalseva.cse.gov.in। इस वेबसाइट पे आएंगे, सीएससी का अगर आपके पास आईडी है तभी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सीएससी का एपीएस मिल जाता है आपको, जिनका नाम है डीजीपे। तो डीजीपे पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब ओपन हो जाएगी। न्यू टैब ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड डीजीपे कर सकते हैं। डीजीपे का लेटेस्ट वर्जन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड डीजीपे भी क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आईडी ड्राइवर वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सभी तरह के यहाँ मार्को मंत्रा सभी तरह के आईडी सर्विस आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ से आप आईडी सर्विस भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लिया। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, यहाँ मैं फर्स्ट टाइम ओपन करूँगा, याद रखिए जब ये डीजीपे ओपन कीजिएगा उससे पहले आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए। जब भी आपका सिस्टम से बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट नहीं रहेगा तब ये ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको रजिस्टर करने को बोलेगा, जिसमें आपको आपका नाम का पूरा डिटेल आपका यहाँ पे मांगेगा, पूरा डिटेल मांगेगा, उसको देंगे, सबमिट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना सीएससी आईडी देंगे, रजिस्टर हो जाने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ अपना सीएससी आईडी देंगे, यहाँ पर देखिए ये हरा है तो इसका मतलब कि आपके सिस्टम से मशीन कनेक्ट है। अगर मशीन जो बायोमेट्रिक डिवाइस वो कनेक्ट नहीं रहता तो ये ओपन ही नहीं होता। तो यहाँ पे चलिए सीएससी आईडी देते हैं। सीएससी आईडी देने के बाद यहाँ पे टिक मार्क का लगाएंगे और स्कैन भी क्लिक करके वीएलई का फिंगर स्कैन कर लेंगे लॉगिन करते वक्त। तो जैसा कि आप देख पा रहे, मैंने फिंगर लगा लिया, तो यहाँ फिंगर लगा चुके हैं। तो उसके बाद ओटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है, फिंगर वेरीफाई हो चुका है तो यहाँ पे ओटीपी सेंड कर दिया गया हमारे रजिस्टर मोबाइल पे, ठीक है। यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया गया है सीएससी के द्वारा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करेंगे, लॉगिन करते वक्त आपको बायोमेट्रिक देना होगा और ओटीपी देना होगा। उसके बाद यहाँ वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी वैलिडेट सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ये हट जाएगा, उसके बाद फिर कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारे डीजीपे लॉगिन हो चुका है। सबसे पहले इन पे सर्विस के बारे में बता देते हैं आपको।
ये डैशबोर्ड हो गया। डैशबोर्ड पे आप ना यहाँ पर वॉलेट बैलेंस जान सकते हैं, आपकी वॉलेट भी कितना रुपया है। ये सीएससी वॉलेट नहीं है, ये डीजीपे का अलग से, ये डीजीपे का वॉलेट है, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे देखिए बैलेंस इंक्वायरी आपने टोटल कितना किया, 216 मैंने बैलेंस इंक्वायरी किया हो, जिसमें 127 बैलेंस इंक्वायरी सक्सेस हुआ और 89 जो है वो फेल्ड हुआ, जिसमें कि फिंगर नोट मैच करने के कारण यहाँ पे इतना फेल्ड हुआ। डीएमटी मैंने नहीं किया, डिपॉजिट भी बंद है, और विड्रो मैंने 94 यानी कि 94 मरतबा कोशिश किया था, जिसमें 44 मरतबा सक्सेस हुआ, 50 मरतबा फेल्ड हुआ, ठीक है। फेल्ड यहाँ पे आप बोलेंगे सक्सेस ज़्यादा तो फेल्ड है, यहाँ पे फेल्ड नहीं होता है, फेल्ड इसी कारण से हुआ है जिनका बायोमेट्रिक काम नहीं किया, जिनके अकाउंट में होल्ड लगा हुआ है, वो जितना रुपये विड्रो कर रहा है उतना रुपये उनके अकाउंट में है नहीं, या ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड, किसी भी तरह के कारण की वजह से यहाँ पे फेल्ड होता है। लेकिन इसमें ज़्यादातर ट्रांजेक्शन आपको सक्सेस होता है, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन ना फंसता है ना फेल्ड होता है, बायोमेट्रिक नोट मैच करने के या अकाउंट के प्रॉब्लम से फेल्ड हो जाता है। यहाँ आप समरी भी ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ विड्रो पर क्लिक करेंगे, यहाँ तो आप विड्रो कर सकते हैं, बैंक नाम सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट देंगे, आधार नंबर देंगे, ठीक है। और आधार यहाँ VID आधार के बदले VID नंबर भी देके आप विड्रो कर सकते हैं। यहाँ बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे, किस बैंक का इंक्वायरी करना है वो आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आउट यानी कि सेटलमेंट अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए इस ऑप्शन, और यहाँ से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट लॉग्स है, इस पर क्लिक करके कितने लोगों का आपने विड्रो किया वो सारा यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आज की डेट में जो किया वो सभी का अप्रूवल है, यानी कि सभी का सक्सेस हो गया है। यहाँ मैं आपको कल की डेट में दिखा देता हूँ, कल की डेट में मैंने बहुत सारे विड्रो वगैरह किया था। तो यहाँ देखिए मैंने 1800 इन अकाउंट से विड्रो करने वाला था, तो मैं इस अकाउंट इस आधार नंबर से इतना रुपये विड्रो करने की कोशिश किया था, लेकिन इसके अकाउंट उतना रुपये नहीं था, यहाँ पे बता दिया इनके अकाउंट में, यहाँ पे अप्रूव, यहाँ पे मैं इस अकाउंट से 500 विड्रो कर रहा था, बायोमेट्रिक नोट मैच किस आधार नंबर से क्या कर रहे थे, अब उसमें क्या स्टेटस दिखाया था, ये आप बाद में भी देख सकते हैं। इसमें कभी भी आपको रुपया नहीं फंसता, मैंने कोशिश कई बार चेक किया हूँ, कई दिन से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, कभी भी इनका रुपया नहीं फंसता, किसी वक्त आप कर सकते हैं, इनका रुपया जो कभी नहीं फंसता है, ठीक है। और यहाँ पे पासबुक पे ये तो सभी दिखाएगा आपको, सक्सेस फेल बायोमेट्रिक नोट में सभी तरह के यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पासबुक क्लिक करेंगे जितना आपका सक्सेस हुआ वो आपको दिखाएगा, और सक्सेस होने से पहले आपके वॉलेट में कितना रुपए था वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखाएगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए 500 मैंने विड्रो किया था, 500 विड्रो करने के बाद हमारे वॉलेट में कितना रुपया बचा वो, उसके बाद मैंने फिर 500 विड्रो किया, फिर कितने रुपये बचा, उसके बाद मैंने सेटलमेंट किया था यहाँ पे 4300, तो यहाँ पे देख उससे पहले देख सकते 4423 हमारे वॉलेट में था, जिसमें 4300 मैंने किया, 123 रुपये हमारे वॉलेट में बचा, यानी कि सेटलमेंट का भी कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे देख लीजिए, मैंने हमारे वॉलेट में 100 रुपये था, मैंने 500 रुपये विड्रो किया तो यहाँ पे 600 रुपये हमारे वॉलेट में हुआ, ठीक है। इस तरह यहाँ पे डेट बाई डेट भी आप देख सकते हैं, इसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं PDF में, ठीक है, सेव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपका नाम, आपका यहाँ पे डेट और यहाँ पे टाइम सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। तो चलिए आप यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रो करके सेटलमेंट करके भी आपको हम दिखाते हैं लाइव। तो चलिए यहाँ पे हम पहले बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी करेंगे, बैलेंस पे क्लिक करेंगे, बैलेंस पे क्लिक करेंगे, बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर देंगे, मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण यहाँ पे आपको पूरा आधार नंबर नहीं दे सकते, टिक मार्का लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे टिक मार्का लगाने के बाद फिर नीचे में फिंगर स्कैन फिंगर पे क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी रीजन के कारण हम आपको पूरा आधार नंबर नहीं दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे स्कैन फिंगर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तक एरर है ओके करेंगे, 2-3 बार प्रेस करेंगे, कभी कभी ये एरर आता है, तो यहाँ पे देखिए फिंगर लगा लेंगे, ये एरर कभी कभी आता है, 2-3 बार आप ओके करेंगे और स्कैन फिंगर करेंगे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिंगर एक कस्टमर का लगा चुका हूँ, और आधार नंबर आप देख सकते हैं अंतिम का आधार नंबर 4 अक्षर, देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेस हो चुका है, इसके अकाउंट में 590 रुपये है, और देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, ठीक है। आधार नंबर आप आधार नंबर की लास्ट 4 अक्षर देख लीजिए, और इनके अकाउंट में अमाउंट क्या है वो भी आप देख लीजिए, बैंक भी देख लीजिए, ठीक है, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे डेट भी देख लीजिए और समय भी आप देख लीजिए, डेट 7 जुलाई है और 12:08, ठीक है। ये हम बैलेंस इंक्वायरी किए, अब यहाँ पे क्लोज करेंगे इनको, तो अब कैश विड्रॉल करने के लिए ऊपर में विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट दें कितना रुपये विड्रो करना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर देंगे कस्टमर का,
कस्टमर का आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में टिक मार्का लगाना है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, ठीक है। और ये आपको पूरा देख लेना है, एक ही आधार नंबर से मैं निकाला। आप स्कैन फिंगर भी क्लिक करेंगे, स्कैन फिंगर भी क्लिक करें, आपके मशीन पर लाइट जलेगी, कस्टमर से फिंगर लगाएंगे। यहाँ पे भी देख लीजिए आधार नंबर का 4 अक्षर, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ देख लीजिए इनके अकाउंट में 500 रुपये विड्रॉ हो चुका है, 90 रुपये बच चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि इनके अकाउंट में 590 रुपये था, 500 रुपये मैंने निकाला और यहाँ पे 500 निकल चुका और शेष बैलेंस यहाँ पे 90 रुपये बच चुका है। बैंक भी देख सकते हैं, आधार नंबर भी लास्ट का आप पूरी चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे आधार नंबर सारा चीज़ मिला लीजिए, ऊपर में टाइम डेट भी आप देख लीजिए। 1 मिनट पहले मैंने इंक्वायरी किया था, उसके बाद मैंने अभी 1 मिनट बाद विड्रॉ कर रहा हूँ क्या अभी आपके सामने, ठीक है। तो ये मेरा सक्सेस हो चुका है, तो यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से फिर से एक बार बैलेंस इंक्वायरी कर, यहाँ फिर से बैलेंस इंक्वायरी करके आपको दिखाते हैं कि बैलेंस इंक्वायरी हो जाने के बाद, कैश विड्रॉ हो जाने के बाद, 2 ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद स्टेट बैंक से क्या तीसरा ट्रांजेक्शन हो सकता है फिर से इंक्वायरी। तो यहाँ पे फिर से हम आधार नंबर दिए, सभी भी देख लीजिए टिक मार्का लगा लेंगे और स्कैन फिंगर पे क्लिक करेंगे, मशीन पे लाइट जलेंगे, फिंगर लगा लेंगे। ये देखिए फेल्ड हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए अमाउंट लिमिट जो इनका पूर चुका है, क्योंकि लिमिट हो चुका है, एक अकाउंट से मैंने 2 बार कर चुका हूँ स्टेट बैंक से मैंने इंक्वायरी किया और विड्रॉल भी आपके सामने किया। स्टेट बैंक से आप DGPay के माध्यम से 1 दिन में 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने कैश विड्रॉल भी किया, बैलेंस इंक्वायरी भी, आप पे आउट करेंगे, सेटलमेंट करेंगे अपने अकाउंट में। और देखते हैं सेटलमेंट का कितना चार्ज लगता है। सेटलमेंट का यहाँ पे 1 रुपये चार्ज नहीं लगेगा आपको, IMPS में भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, NEFT में भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर बाद में कभी लागू किया जा सकता है तो 5 रुपये किया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे DGPay भी कोई सेटलमेंट का चार्ज नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे वॉलेट बैलेंस है 1223 रुपये। अब हम यहाँ पे 100 रुपये छोड़ के करेंगे, क्योंकि जितना रुपये वॉलेट है उसमें से 100 रुपये छोड़ के आप सेटलमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो सेटलमेंट लेने के लिए यहाँ पे आप पे आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पे आउट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको CSC ID देना होगा, जो भी आपका CSC ID होगा, और यहाँ पे अमाउंट देना होगा जितना आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे 100 रुपये छोड़ के आप देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्का लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर टाइप IMPS या NEFT। IMPS को सिलेक्ट करेंगे तुरंत आपके अकाउंट में रुपया चले आएगा, ठीक है। यहाँ पे सेटलमेंट में भी VLE का फिंगर लगेगा, लॉगिन में भी लगता है और सेटलमेंट में भी। यहाँ पे स्कैन फिंगर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे स्कैन फिंगर पे क्लिक करेंगे, मशीन पे लाइट जलेगी, फिंगर लगाएंगे VLE। जैसे ही फिंगर लगाएंगे VLE, यहाँ पे देखिए अंडर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग हो चुका। इस प्रोसेसिंग के दरमियान हमारे अकाउंट में रुपया आ जाएगा, ठीक है। ये पहले प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग के दरमियान ही हमारे अकाउंट में ये रुपया जो ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस प्रोसेसिंग के दरमियान हमारे अकाउंट में जो रुपया, हमारा जो सेटलमेंट अमाउंट था वो आ चुका है। यहाँ पे देखिए सक्सेस हो चुका है, फंड ट्रांसफर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। यहाँ पे कस्टमर रेफरेंस नंबर सारा नंबर इन्होंने नोट कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमें क्लोज कर देना है, हमारा जो सेटलमेंट हो चुका है हमारे अकाउंट में भी आ चुका है। इस अकाउंट को चेंज करने के लिए जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन किए CSC के, वहीं से जाके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। माई अकाउंट में जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है, हमारा जो अमाउंट है यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, पहले का जो रुपया था वही शो कर रहा है। उसको यहाँ अपडेट करने के लिए यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है। पासबुक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप पासबुक पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह यहाँ पे सेंटर पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए हमारा इतना रुपये कट के इतना रुपया बच चुका है। अब यहाँ पे फिर से डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा बैलेंस जो है अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कैश विड्रॉ कर के दिखा दिया, बैलेंस इंक्वायरी कर दिया, सेटलमेंट भी करके आपको दिखा दिया। अब चौथा जो ऑप्शन है वो मनी ट्रांसफर है। चलिए मनी ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऐड रिमाइंडर करना, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, नेम देंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस देंगे, सिटी देंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट देंगे, पिन कोड वगैरह देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेनरेट OTP भी क्लिक करेंगे। OTP आएगा, OTP देंगे, वैलिडेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर लॉगिन लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने को आपने ऐड किया वो सारा यहाँ पे शो करें। यहाँ पे रिमाइंडर लॉगिन पर क्लिक करके आप मोबाइल नंबर देंगे, जेनरेट OTP भी क्लिक, मोबाइल नंबर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, उसका जेनरेट OTP भी क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे OTP जाएगी, रजिस्टर मोबाइल जो आपने दिया यहाँ क्लोज करेंगे। यहाँ पे OTP वाले बॉक्स में OTP फिलअप करेंगे और यहाँ पे वैलिडेट OTP भी क्लिक करेंगे। उसका सक्सेस लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। जिनको पे करना है उसका मोबाइल नंबर देंगे,
उनका नाम, स्टेट, आईएफएससी कोड देके वैलिडेट करेंगे, चेक करेंगे आईएफएससी कोड को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे, अकाउंट नंबर जनरल ओटीपी क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो आ जाएगा, यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। यहाँ मनी ट्रांसफर भी क्लिक करके जिसको सेंड करना चाहिए तो उस पर यहाँ पे उसका लिस्ट आ जाएगा, उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसफर अमाउंट को क्लिक करेंगे, जनरेट ओटीपी फॉर मनी ट्रांसफर क्लिक करके आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अगला ऑप्शन जो क्लाइंट है, तो यहाँ पे ये क्लाइंट लॉक पे क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते जो मैंने आपको पहले बता दिया हूँ।